नमस्कार साथियों, आज मैं अपने चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरा सीमेंस की टाइमर को हम कैसे चेक करेंगे कि टाइमर हमारा अच्छा है या नहीं है। दूसरी चीज़ इसका वायरिंग कैसे कैसे करना है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज मैं आपको सीमेंस का जो टाइमर है ना, इसके बारे में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। ये टाइमर जो है किस तरीके से काम करेगा, कैसे वर्क करता है और इसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, साथ के साथ इसका वायरिंग कैसे करेंगे अगर हमें कभी वायरिंग करना हो, तो ये सारा कुछ मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पहले टेस्ट करके आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये सीमेंस का टाइमर है 5 to 100 सेकेंड का। ये जो टाइमर है ये 5 to 100 सेकेंड का टाइमर है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये टाइमर जो है हमारा ऑन डिले टाइमर है, जो आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। ये जो टाइमर है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर भी कह सकते हैं। अब आप सवाल यहाँ पे आता है कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्यों कहेंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर हम इसलिए इसको भी कहेंगे क्योंकि ये जो टाइमर है हमारा एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेटेड है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसका वायरिंग के बारे में समझते हैं कि वायरिंग क्या क्या है और कैसे कैसे वायरिंग हमें कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, ये ऊपर में 3 टर्मिनल है इसमें, ठीक है दोस्तों। टोटल 3 टर्मिनल ऊपर में दिख रहे हैं दोस्तों। पहला जो टर्मिनल है वो A1 है, दूसरा A3 है और तीसरा जो टर्मिनल है ये कॉमन है। सेम नीचे जब हम आ जाएंगे तो नीचे में 16 LC है, 18 नंबर जो चैनल है ये NO है एंड थर्ड वन इज A2 नेगेटिव है। तो दोस्तों इसमें समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें AC और DC पे क्या कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें जो है आप जब देखेंगे किसी भी टाइमर पे देखेंगे ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन होता है सारी चीज़ें। जैसे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये मेक है, सीमेंस का है, इसका मोटर नंबर है 3RP15131 मोटर नंबर है। टाइमिंग रेंज जो है 5 से 100 सेकंड की है। अब जो मैंने टर्मिनल आपको बताया था दोस्तों A1 A2 A3 टर्मिनल मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों अगर हमें इसे 230 पे चलाना है तो 230 पे चलाने के लिए हम इसको जो है कनेक्ट करेंगे A1 और A2 पे कनेक्ट करेंगे। A1 जो है दोस्तों आपका ये वाला A1 है सबसे ऊपर वाला, और ये जो दिख रहा है A2 है, ये A2 जो है ये निगेटिव है। और अगर हमें इसे DC पे चलाना है तो DC पे A3 और A2 पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है A3 ये बीच वाला A3 है और A2 नेगेटिव ये है, तो ये DC के लिए हो गया। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसको जो है आपको मैं वायरिंग कर करके लैंप पे चला करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपके बीच में जो इसको वायरिंग मैं करने जा रहा हूँ, ये 230 की वायरिंग करने जा रहा हूँ। पहले मैं इसको 230 पे मैं चलाऊँगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 230 के लिए पॉजिटिव सप्लाई जो है इसका 230 का ये मैंने A1 पे लगा दिया है। A1 पे मैंने पॉजिटिव लगाया है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो मैंने लगाया है इस पे न्यूट्रल पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखना यह है कि मैंने न्यूट्रल पे लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ आपको और करना क्या होगा कि A1 से लेकर के कॉमन पे आपको हमेशा लूप देना पड़ेगा, चाहे वो आपको 2400 पे चलाना हो या 230 पे चलाना हो, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसका लूप भी डाल दिया इसका। वेल तो दोस्तों इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, इनपुट की वायरिंग कंप्लीट हो गई है 230 पे। मैंने A1 पे पॉजिटिव सप्लाई दिया है और A1 से कॉमन पे भी मैंने लूपिंग सप्लाई दी है और A2 पे जो है न्यूट्रल का सप्लाई दिया है।
अब इसके लिए मैं दो लैंप लेता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख पा रहा है ये दो लैंप मैंने लिया इसके लिए। अब इन दोनों लैंपों को मैं फर्स्ट लैंप को जो है एनसी पे लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों। सेकंड लैंप को जो है मैं एनओ पे लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने इसकी वायरिंग कर दी है और इसको मैं अभी 20 सेकंड पे इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ही 20 सेकंड होगा ये ऑटोमेटिक अपना फेज चेंज करेगा, और जो फेज चेंज करेगा देखिए दोस्तों, ये फेज जो चेंज करेगा एनओ से एनसी से एनओ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आप इसको सप्लाई 230 की सप्लाई देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने 230 की सप्लाई दिया, इसका एनसी पावर जो है वो चालू हो गया। अब ये एनओ ऑटोमेटिक चेंज होगा एनओ पे 20 सेकंड पे जाने के बाद, और यहाँ भी इंडिकेशन चल रहा है। जब ये इंडिकेशन आ जाएगा मतलब समझ लीजिए कि हमारा रिले जो है ये ऑपरेट कर गया है। तो जैसे ही 20 सेकंड होगा वैसे ही देखिए ये रिले ऑपरेट हुआ, दूसरी लाइट हमारी चालू हो गई, ठीक है दोस्तों। तो एनओ से एनसी में कन्वर्ट हो गया, चला गया है। तो मेरे ख्याल से आयुब आपको वायरिंग भी समझ गया आ होगी और उसको हमको टेस्ट कैसे करना है आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है मेरा सप्लाई चालू, ये जो मेरा सप्लाई है ये 230 पे मैंने इसको चालू किया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को एसी सप्लाई पे सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है दोस्तों। मल्टीमीटर एसी पे है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस मल्टीमीटर को मैंने इसके पॉजिटिव पे रखा और नेगेटिव पे रखा, 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई मुझे मिलना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा ये ऑपरेट कैसे कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एनसी पे रखा और पॉजिटिव पे रखा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 0 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। लेकिन एनओ एंड एनसी पे 230 की सप्लाई मुझे मिल रही है, ये 230 पे मैंने चेक करके आपको दिखाया दोस्तों। अब मैं इसको डीसी पे कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो डीसी के लिए जैसा मैंने आपको कहा था कि हम A3 पे कनेक्ट करेंगे, और A3 पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और A3 से हम इसको डीसी पे हम सप्लाई पे हम लेंगे इसको हम। तो चलिए मैं इसको वायरिंग को A3 पे कनेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। मैंने ये वायरिंग को कनेक्ट कर दिया है, A3 एंड कॉमन पे लूपिंग दिया है मैंने, और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई मुझे मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई इसको देने का काम करता हूँ इस एड्रेस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं 24 वोल्ट की सप्लाई दूंगा 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं 24 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मैंने इसका जो है वायरिंग जो कनेक्ट किया है वो A3, अब देखिए 24 वोल्ट की सप्लाई दिया। अब ये लाइट पहला जो है एनसी लाइट जो है ये चालू हो गया मेरा, ठीक है दोस्तों। मैं आप इसको मल्टीमीटर से भी आपको दिखाता हूँ, 24 वोल्ट मैंने सिलेक्ट किया है इसको, ठीक है दोस्तों। अब 24 वोल्ट ये देखिए, ये मैंने सप्लाई यहाँ से लिया और ये न्यूट्रल मैं चेक करा रहा हूँ। देखिए ये 27 वोल्ट आया मेरा, और ये इसका फेज भी चेंज हो गया है 20 सेकंड पे, ठीक है। ये देखिए ये 24 वोल्ट हमें यहाँ भी आउटपुट में भी मुझे मिल रहा है, और एनसी पे 0 हो गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे इन फ्यूचर जो भी मेरा वीडियो आए वो आप तक पहुँच रहे। थैंक यू।